मुरादाबाद के सब्जी मंडी गंज स्थित सुशीला जूनियर हाई स्कूल में नेत्र जांच शिविर का आयोजन कराया गया, जिसमें सभी बच्चों का निःशुल्क जांच करने के बाद दवाइयां भी वितरित की गई। सीएल गुप्ता नेत्र संस्थान द्वारा विद्यालय के छात्र छात्राओं के निःशुल्क नेत्र परीक्षण करने के साथ ही छात्र छात्राओं ने कई महत्वपूर्ण जानकारी भी दी। इस अवसर पर नेत्र संस्थान की ओर से कुछ सीमा प्रजापति, सुश्री फरहत, सुश्री फरहाना और सुश्री तरनजीत कौर उपस्थित रहे। इस अवसर पर विद्यालय संरक्षक इंजीनियर उमाकांत गुप्ता, अध्यक्ष डीएके डिग्री कॉलेज मुरादाबाद और विद्यालय की प्रबंधिका संतोष रानी गुप्ता मौजूद रही। विद्यालय की ओर से प्रधान अध्यापिका सिंपल विश्नोई, अर्चना, मंजू शर्मा, अनीता सिंह आदि उपस्थित रहे। अंत में संस्था की ओर से विद्यालय की छात्र छात्राओं को दूध जलेबी का वितरण किया गया। संतोष रानी गुप्ता ने बताया कि समय समय पर बच्चों को पढ़ाई के साथ साथ स्वास्थ्य संबंधित लाभ पहुँचाने के लिए काम किया जाता है। इस मौके पर कैंप आयोजित किया गया, भविष्य में ऐसे कार्यक्रम और भी आयोजित किए जाएंगे। आज हमारे विद्यालय सुशीला जूनियर हाई स्कूल में सीएल गुप्ता आई इंस्टीट्यूट जो हॉस्पिटल है उसकी तरफ से यहाँ पर बच्चों का और जो भी शिक्षक या कोई भी आए उसका निःशुल्क आई कैंप चल रहा है। और आई चेकअप करके वो सब बता भी रहे हैं कि कैसे आपकी आँखें कम है, कम क्या पॉइंट है, क्या नंबर आया है। और इसके साथ ही साथ बच्चों के निःशुल्क चेकअप के लिए 10 दिन का उन्होंने टाइम भी दिया है कि वो उनके इंस्टीट्यूट पर आके फ्री चेकअप करा सकते हैं और फैमिली के लिए डिस्काउंट उन्होंने कुछ बताया है। मैम, समय समय पर आपके यहाँ ऐसे जो कैंप लगते रहते हैं, इसका क्या मकसद रहता है आपका? हमारे यहाँ तो आपको सच बताएं तो बहुत वर्ष हो चुके और आपने ये सवाल किया है तो मैं बताना उचित समझूंगी कि हम पूरा हेल्थ चेकअप, आई चेकअप, डेंटल चेकअप और अभी पीछे भी हमने लगाया था एक्यूप्रेशर और डायबिटीज़ कैंप भी लगाया था, तो इस तरीके के हम कराते ही रहते हैं। मुझे याद है बहुत वर्ष हो गए जो हमारे मुरादाबाद शहर में विपिन बिहारी सिन्हा जी DM आए थे, बनकर नियुक्त थे यहाँ पर, तो तब भी एक आई कैंप में ही मैं गई हुई थी तो वहाँ पर उन्होंने यही कहा था कि तो वृद्ध लोग, बड़े लोगों का लगा हुआ था वो आई कैंप, तो उसमें उन्होंने ये बात कही थी कि आप लोग ये कैंप लगा रहे हो अच्छा है, लेकिन अच्छा हो कि जो प्राइमरी क्लास के बच्चे होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, अगर उनके आई कैंप लगे और उनके आई दिखाई जाए। तो उन्होंने बताया, मैं खुद भोगी हूँ तो कई बार बच्चों को पता ही नहीं चलता कि हमारी आँखें खराब हैं। वो बात मुझे उस दिन इतनी ज़्यादा मन को लगी कि वो दिन है और आज का दिन है। हम प्रत्येक वर्ष आई कैंप और हर तरीके के कैंप लगाते हैं और अभी भी देखिए बच्चों को पता ही नहीं किसी किसी बच्चे को कि उसकी आँख इतनी कमज़ोर है और उसे दिखाने जाना है, तो इससे ये फ़ायदा है कि बच्चों को आगे। बच्चों और पेरेंट्स से क्या मैसेज देंगे आप, जैसे कि वो आजकल बच्चे फ़ोन ज़्यादा यूज़ करते हैं, उसका ब्राइटनेस जितनी होती है, यही मैसेज देना है। और अभी शुरू होने से पहले भी प्रिंसिपल ने भी और हम सब ने ये बताया कि किस तरह से आँखों की सफाई, और आँखों की सफाई तो तभी होगी जब अपने पूरे शरीर की स्वच्छता पर ध्यान देंगे और हाथ आपके विशेष रूप से स्वच्छ रहने चाहिए क्योंकि हाथ ही आपकी सब तरीके की चीज़ें छूते हैं और सब खराब करते हैं। ये सब भी बताया और बतलाया कि भाई नेत्र है तो सब कुछ है, दुनिया है, जहान है। और मोबाइल का इस्तेमाल कम से कम अंधेरे में बिल्कुल ना करें और सीमित समय के लिए करें, चाहे वो कंप्यूटर क्यों ना हो। और लाइट का उचित रिफ्लेक्शन आपके मोबाइल पे और कंप्यूटर पे जिस पे भी काम करते हैं पड़े, क्योंकि आजकल इसका आवश्यकता भी बहुत अधिक है। नाजायज़ उपयोग तो देखिए हर चीज़ का कर सकता है कोई भी और वर्जित तो होती है वो चीज़ें, लेकिन फिर भी उपयोग के बिना इसके उपयोग के तो गुजारा भी नहीं है। और दिन ब दिन टेक्नोलॉजी नई आती जा रही है, तो लेकिन अगर हम उसको होशियारी और सतर्कता से साथ सावधानी से उसका सही सदुपयोग करते हैं तो लाभ।